महाराष्ट्र के सावर गांव में माओवादियों ने परिवहन में लगी गाड़ियों में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व मुठभेड़ में मारे गए नक्सली के विरोध में नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे गजामेड़ी गांव स्टेट हाईवे मार्ग में रेत परिवहन में लगी तीन टिपर व एक ट्रक को माओवादियों ने आग के हवाले कर दिया। विरोध स्वरूप माओवादियों ने मौके पर बैनर और पोस्टर भी लगाया है। बताया जा रहा है कि गढ़चिरौली के एटापल्ली जंगल में कुछ दिनों पहले पुलिस नक्सली मुठभेड़ में सृजना नाम की नक्सली महिला की मौत हो गई थी, जिसको नक्सलियों ने हत्या करार देते हुए इस वारदात को अंजाम दिया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।